कस्बा हसीरन की मेन तिराहा पर युवक टप्पेबाजी का शिकार हुआ। टप्पेबाज ने युवक से मीठी मीठी बातें करने के बाद मोबाइल लेकर 9:11 हो गया। उसने इसकी शिकायत हसीरन चौकी पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। हसीरन क्षेत्र के रौसा गांव निवासी अखिलेश पुत्र रमेश चंद्र सविता अपने घर से हसीरन बाजार आया हुआ था। साग सब्जी लेने के बाद वो घर जा रहा था, तभी कस्बे के मेन चौराहे पर टप्पेबाज उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। भूख लगने की बात कही, उसने पैसे देकर चाउमीन खाने को कहा। थोड़ी देर में फोन पर कॉल करने की बात कहकर मोबाइल लेकर 9:11 हो गया। काफी दूर तक पीछा किया पर वो नहीं मिला। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत हसीरन चौकी पुलिस से की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसमें युवक लाल शर्ट पहने दिखाई दे रहा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। कन्नौज से उपेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कि मेरे को मिला और उसने कि मेरे को पहचाना, मैंने नहीं पहचाना है। तो कही मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, हमें मैं जानता ही नहीं हूँ। तो उसने ये कहा कि मेरे को आप फोन दे दो, मैं बात कर लूँ। हमने ये कहा मेरे में बैलेंस नहीं है, मेरे में बैलेंस नहीं है। तो उसने कि दे दो, मैंने दे दिया उसको फोन। वो बात करने लगा, बात कर लिया, फिर मेरे को दे दिया। उसने ये कहा चलो चाउमीन खा लो जाके। हमने कि मैं पैसे तो दूंगा, आप खा लो जाके, मैं नहीं खाऊंगा। मैं उसने जबरदस्ती बिठा लिया तो मैं बैठ गया। तो हमने उसने भी चाउमीन खाई, मैंने भी चाउमीन खाई और खाई। तो मैंने अपने पैसे दे दिए, उसने पैसे नहीं दिए। तो मेरा मोबाइल साथ लह रहा था और मैं सर साइकिल ठाड़ी करने लगे। तो उसने मोबाइल उत्ती में गायब हो गया। नाम क्या तुम्हारा? अखिलेश कुमार। ग्राम रौसा। किधर की वो लेकर भाग गया था फोन? हाँ, okay।